हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटल्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटल्स यूट्यूब चैनल और मैं आज आ गया हूँ रेडिसन ब्लू रिसोर्ट कावलिसम गोवा के अपर डेक के ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में, जहां पर आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू कैरी साल्वर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि एक साल्वर को कैसे कैरी करते हैं इफ यू आर अ बिगनर और आप एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे उसको कैरी कर सकते हैं। राइट, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग न्यू। ये है अपर डेक का ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जहां पर आज हम लोग अपना वीडियो शूट करने वाले हैं और मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूंगा यहां पर के जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर मिस्टर विक्टर सारेस और ये रेडिसन ब्लू की टीम को जिन्होंने मेरे को मौका दिया अपनी इस वीडियो को यहां पर शूट करने के लिए। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को इसे दिखाते हैं कि साल्वर कैरी कैसे किया जाता है। सो गाइस जब यहां पर आती है हमारे साल्वर पकड़ने की बात, तो बिगिनर्स हैं लोग एफएनबी सर्विस में, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो साल्वर पकड़ना एक आर्ट है, एक कला है एफएनबी सर्विस वालों के लिए। यहां पर साल्वर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पकड़ा जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बिगिनर, एज ए बिगिनर आप साल्वर पकड़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने को इसमें हैबिट में लेके आ सकते हैं, लोगों की तरह ऐसे थ्री फिंगर्स में लेके घूम सकते हैं अपने रेस्टोरेंट में। राइट, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है आपको, साल्वर में वेट होता है। राइट, जब आप इसमें कुछ सामान रखते हैं, ग्लासेस रखते हैं, अपनी क्रॉकरी रखते हैं, तो इसमें वेट होता है। तो आप इस वेट को अगर आप पहले फर्स्ट चांस में अटेम्प्ट करेंगे कि मैं ऐसे पकड़ने लग जाऊं या फिर ऐसे पकड़ने लग जाऊं, तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये यहां पर आपके पाम और आपके इस हैंड में यहां पर आपका जब वेट पड़ता है, राइट, जब आपके दोनों में वेट पड़ता है, डिवाइड होता है आपका वेट, तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरा, आप जब आपका ये स्टेप आता है ये, राइट, दूसरे स्टेप में आप इसको ऐसे करेंगे और ये यहां पर आ जाएगा। और जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, क्या करते थे हम लोग, जब मैंने स्टार्ट किया था, यहां पर अपने जो स्टील के ग्लासेस होते हैं उसमें पानी भर के पूरे ट्रे में हम इसको ऐसे घूमते रहते थे, जिससे कि हमारा क्या होता है कि एक हैबिट बन जाती है वेट उठाने की। जब हमारी वेट उठाने की हैबिट बन जाती है, तब हम आपको इसमें सिर्फ पाम में, हमारी जो इसमें हथेली है उसमें यूज करेंगे, इसको लेके ऐसे घूमते रहेंगे। राइट, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, सेकेंड स्टेप हो गया आपका कंप्लीट, जब आप थर्ड स्टेप में जाना है, आप अपने ये फिंगर्स, यहां पर फिंगर्स में जब आप इसको लेके भी कंप्लीट हो जाते हैं, इसको लेके आप 10-15 दिन तक काम करते रहते हैं और काम करते करते आपको अचानक से ये वाला स्टेप आ जाएगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कैरी करते हुए साल्वर, ऐसे कैरी करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जब आप लोग ये वाला फिंगर यूज करने लग जाते हैं, तीन फिंगर्स में आप लोग जब कैरी करते हैं साल्वर को, तब एक नेक्स्ट स्टेप आता है, ये वाला स्टेप, ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसको पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, नहीं कर पाएंगे, यू नो, बट अगर आप रेगुलरली इसको ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करेंगे, राइट, तो आप इसमें भी मास्टर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे साल्वर कैरी किया जाता है अगर इसमें कुछ रखते हैं तो। ओके, सो यहां पर जब आप किसी टेबल से ग्लासेस को कैरी करते हैं, राइट, सो आपका जो साल्वर है वो पीछे होना चाहिए आपके, और जब आप साल्वर से कैरी करते हैं यहां पर से उठाया ये, कभी भी टेबल के जो, अगर आपके जो साल्वर है उसके कॉर्नर पे मत रखिए, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप बीच पे रखिए, राइट, सेंटर में, और आपने ये रखा, राइट, ये सारे इनको अगर आप रखते हैं तो सेंटर से चूज कीजिए, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी, गिरने के चांसेस नहीं होंगे, अगर मैं आराम से नॉर्मली भाषा में कहूँ तो। ये हो गया, आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं आराम से, ये आपका सेकेंड स्टेप है। अगर आप पहले पकड़ते हैं तो आप ऐसे पकड़िए, जिससे कि आपका जो ये हाथ है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके साल्वर को कैरी करने के लिए। और सेकंड चांस मैंने आपको बताया, ये आपके इसमें पकड़िए। अगर आप इन सबको, दोनों चीजों को सीख लेते हैं, तो आपका थर्ड स्टेप आता है ये, राइट, यहां पर से आप साल्वर को कैरी कर सकते हैं। और जब आप इस साल्वर को कैरी करना सीख जाते हैं ऐसे, तो मैंने आपको क्या बताया, जो थर्ड स्टेप है आपका ये, थ्री फिंगर से, थ्री फिंगर पकड़ना मतलब कि एक मास्टरी कर लेना साल्वर को पकड़ने में। जब आप ये थ्री फिंगर यूज करना सीख जाते हैं, तब आपका आता है ये थ्री फिंगर्स, ये वाला थ्री फिंगर्स। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये है जो आपका थ्री फिंगर स्टेप है, जो आपको मैंने बता दिया कि आप ऐसे अगर साल्वर को कैरी करते हैं,
ये वाले तरीके से, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका गेस्ट के ऊपर और आपके एम्प्लॉयज के, आपके कलीग के ऊपर भी। तो ये है आपके स्टेप बाय स्टेप कैसे सालवर को कैरी करना है, जो मैंने आपको बता दिया। और जो बहुत सारे बिगनर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके रेस्टोरेंट में जाते वक्त ऐसे सालवर को कैरी करते हैं जो कि बहुत ही ऑड लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टेबल पे जाते हैं, ऐसे रखते हैं सालवर को और वहां पर से क्रॉकरी कटलरी अपना सालवर पे रखना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही वो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर वही गलती रिपीट करते हैं तो इट डजंट मेक सेंस। ये देखिए, साल्वर को कैरी करना है यहां पर, अगर आप इस साल्वर को टेबल पर जाते हैं किसी गेस्ट के पास, तो साल्वर को कभी भी गेस्ट के पास ये पीछे रखिए, अपने हाथ को यहां पर से कभी भी एक साइड को लोड मत बनाइए, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आप लोगों के। साल्वर को यहां पर से ऐसे रख सकते हैं पीछे करके, यहां पर से ये वाला उठाइए, ये वाला उठाइए, ये नहीं कि आपने सब एक साइड कर दिया और साल्वर नीचे गिर सकता है। तो ये है दोस्तों आप लोगों के कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि आप साल्वर कैसे कैरी कर सकते हैं रेस्टोरेंट में। सो गाइस, यही था आप लोगों के लिए कि एक साल्वर को कैसे कैरी करते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के फ्यूचर में, आप लोग की लाइफ में ये कुछ हेल्प करने वाला है ये वीडियो, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय।